इस खबर के प्रायोजक है ब्राइटल लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट। आइए मिलकर करें बकरी फार्म उद्योग की शुरुआत। कंपनी द्वारा अच्छे नस्ल की बकरी की उपलब्धता कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। ब्रेकिंग न्यूज, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार ने थाने के लगाए चक्कर, फिर भी नहीं मिल रहा इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी पर उठ रहे सवाल, क्या पुलिस प्रशासन योगी जी की नहीं मान रहे फरमान? यह एक बड़ा सवाल। जी हां, हम आपको बताते चले, बात है जनपद उन्नाव के थाना बिघापुर ग्राम अमरपुर गांव में लाइव टीवी एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ कपूर चंद के यहाँ गाँव के ही कुछ नशेड़ी गुंडे संजय श्रीराम और राम आश्रय सहित कई गुर्गे के साथ मिलकर ब्यूरो चीफ कपूर चंद के बरामदे में लगी टीन सेट कुछ दिन पहले गिर गए थे, जिसकी कार्रवाई थाना बिघापुर में देकर की गई थी, जिसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस तरीके से संजय व श्रीराम जैसे गुंडे के हौसले बुलंद होने लगे। इस पर उन्होंने कपूर चंद के परिवार के लोगों से मिलकर सुलह करने के लिए दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। हालांकि यह बात सुन ब्यूरो चीफ कपूर चंद ने दोबारा इसकी मामले को लेकर थाना बिघापुर में दी और उसके पूरे पत्रकार संघ को व न्यूज 24 समाचार विशेष संपादक को बुलाकर पत्रकार संघ के सभी को बुलाकर अपनी बात कही, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से बाइट देकर पत्रकार की आवाज़ को उठाने की बात कही, ताकि शासन और प्रशासन की कानों तक पत्रकारों की आवाज़ पहुंच जाए और उन्हें इंसाफ मिल सके। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहा जाता है। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी संकट से गुजर रहा हो तो हम और क्या समझ सकते हैं। उन्नाव से जयराम नकवी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। यहाँ के फिर वैसे ही गुंडे और नशेड़ी किस्म के लोगों ने फिर जो है प्लान बनाया है कि इनकी टीम भी गिरा दी जाएगी। ये पत्रकार हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस के, क्या शासन प्रशासन ने इनकी मदद नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं किया है मदद, और जब भी अगर पिछले मुकदमा जो टीन सेट गिराया था इसके तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया था प्रशासन ने, और उनसे पूछो तो बताते हैं कि चार्ज शीट पहुंच जाएगी कोर्ट में, और लगातार यही सवाल करते हैं, हमको गुमराह करते हैं कि चार्ज शीट पहुँचा देंगे। अभी हमने पूछते हैं क्या कार्रवाई किया है तो कोई जवाब नहीं देते, हो रही कार्रवाई कहते हैं तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। धाराएं आपको मालूम है कौन कौन सी? जी धाराएं मालूम है, कौन कौन सी? 397, 395, 354। किसके खिलाफ, कौन कौन थे? एक गांव के दूसरे मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो आए दिन दारू पीकर झगड़ा उगड़ा करते रहते हैं। क्या किया था उन लोगों ने? उन लोगों ने 27/11/2020 को एक षड्यंत्र रच के 10-12 लोग आए थे घर पे, शाम को करीब 7 बजे घर पे तोड़फाड़ किया, लूटपाट किया, छेड़छाड़ किया, उसके तहत परिवार को बंधक बनाकर घर का सामान वामान लूट कर ले गए। उसके तहत उसी दिन 27/11/2020 को मुकदमा संगीन धाराओं में पंजीकृत हुआ।